वायरस को लेकर लगे लॉकडाउन का पालन करने में जहां प्रशासन और अफसर दिन रात एक किए हुए हैं, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, तो वहीं अफसरों के परिजन खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एमपी के रायसेन के एसडीएम अनिल जैन की पत्नी सरकारी गाड़ी से चार पहिया वाहन चलाना सीख रही हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कलेक्टर ने उनके ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं। उन्हें जिला मुख्यालय पर अटैच किया गया है। जब वीडियो बनाने वालों ने एसडीएम की पत्नी से इस संबंध में बात की और लॉकडाउन तोड़ने की बात कही, तो वो जवाब दिए बिना ही गाड़ी में बैठकर चली गईं। इस संबंध में एसडीएम अनिल जैन का कहना है कि ये गलत है कि उनकी पत्नी गाड़ी चलाना सीख रही है। पत्नी सरकारी गाड़ी से अपने लिए ड्राइवर के साथ दवाइयां लेने गई थी। वहां से लौटते समय पत्नी खुद गाड़ी चलाकर ले आई तो किसी ने वीडियो बना लिया। उन्होंने कोई लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं किया है। बहरहाल इस बात से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लॉकडाउन के पालन की जिम्मेदारी जिन पर है उनके ही परिजन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो किस तरह वो आम लोगों से नियमों का पालन कराने में सक्षम होंगे। न्यूज डेस्क।